क्वेश्चन नंबर 8 बोलो की है। क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। फर्स्ट पार्ट दे विच वट इज एन इलेक्ट्रिक लाइन, यस पढ़ के देते हैं कि यह वट इज एन इलेक्ट्रिक लाइन की लिखा है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व और इट कैन बी स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। किमें जरूरी नहीं है कि कर्व होवे, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पॉजिटिव चार्ज, लाइन्स कमिंग आउट ऑफ दिस, वो की ना स्ट्रेट है, दैट इज वेयर नोट्स विच करेक्शन की चाहिए है, स्ट्रेट लाइन, ओके एंट्री कर लो स्ट्रेट लाइन और कर्व। इलेक्ट्रिक लाइन इज अ कर्व, अजूट इज अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, इज अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट, ऐसा मतलब है पहला पार्ट ही देखिए, पॉजिटिव चार्ज लाइन्स मूविंग अवे, नेगेटिव चार्ज लाइन्स मूव टूवर्ड्स, इधर इक्विवेलेंट है जो तुम स्कूल पढ़ के आए हो मैग्नेट, फॉर ए मैग्नेट याद करो ये वैसे बना रहे हैं नॉर्थ साउथ, याद आ गया मैग्नेटिक लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम, बोलो स्कूल च पढ़े कि नहीं मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, हलो एंड अप एट साउथ। सो जो कॉन्सैप्ट उत्थे डेवलप किया सेम कॉन्सैप्ट इज एप्लीकेबल हेयर ऑलसो, दैट वॉज फॉर अ मैगनेट, हेयर वी आर डूइंग इट फॉर चार्ज। इतने की एग्जिस्ट करता सी सराउंडिंग या मैगनेट कड़ी फील्ड होंगी है, मैगनेटिक फील्ड सराउंडिंग ए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देर इज इक्विवेलेंस। सो वी विल रिपीट दिस पार्ट रिगार्डिंग मैगनेट इन चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो, फिर तो देख रहे ये तो सी लेटर ऑन ड्रॉ कर लोंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज वॉट, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और इट कैन बी अ कर्व, किस तरह कर्व किस तरह हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड अप एट नेगेटिव, फिर तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट कैन बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस और इट कैन बी अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे सच दैट टेंजेंट, एक टेंजेंट मार्क करते हैं, टेंजेंट एट दिस पॉइंट दैट मीन्स इफ यू प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज हेयर इट विल मूव अलॉन्ग दिस लाइन, टेंजेंट टू दिस कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। प्रैक्टिस ना आ जाऊगा घबराओ ना। सो बेसिक इशू यही है कि पहले किसी का 10th क्लास की पढ़ गया सी मैग्नेटिक लाइन्स, हेयर यू हैव इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फर्स्ट पार्ट। सो एक नंबर का क्वेश्चन है वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आंसर्ड देन प्रॉपर्टीज, दिस इज वन प्रॉपर्टीज, बोलो वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट जगह पे एंड एट नेगेटिव चार्ज। 3 मिनट्स विद यू टू राइट, जिन्ना नोट्स लिखे लिख लो बस। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 2 मार्क्स, फिर उन्हें दी प्रॉपर्टीज।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व किस तरह बनाया, लेट अस वर्क आउट. इफ यू प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज हेयर, ये पॉजिटिव की करेगा रिपेल करेगा, नेगेटिव की करेगा अट्रैक्ट करेगा. सो इट विल मूव इन वन डायरेक्शन, मार्क द डायरेक्शन. नाउ यू प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज हेयर, नेगेटिव की करेगा अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की करेंगे रिपेल, मार्क द डायरेक्शन. यू विल फाइंड इफ यू ट्रेस दैट पाथ विल कम आउट टू बी अ कर्व. That means point number two, you can explain it like this. Question puchha hai, tha hai, the answer aaye. Suppose I place a positive charge here. Positive will repel. Negative will attract along this line. So there are two forces acting. Resultant kis tarah aayega na tha? There are two forces. This is due to positive repulsion. This is due to negative attraction. Resultant of the two is this one. So this charge moves here. Now you place this positive charge at this point. Negative will attract, positive will repel. Resultant of the two is somewhere here. So if you trace all these points, you will see that this positive charge will move along this. Okay, extra mandate that you can add. So in properties we have covered how many points? 1 and 2. Properties point number 3 bologi hai. Yes, no two lines can cross. Why? ये आंसर देना है बोर्ड वास्ते 2 marks. Assumption. बिगनिंग चेक मान लेने हैं. Let us assume the two lines cross each other. Line number 1. Proof. Statement is no two electric field lines or lines can cross each other. Line number 1. Line number 2. Proofs ke likha. Let us pehla samay lo, fir draw kar lena proof. Let us assume two lines cross where at point P. As per definition, line 1, you can mark a tangent, you call this as a tangent 1. So as per definition, if you place a positive charge, it will move along tangent 1. Line number 2, if you place a positive charge here, it will move along tangent 2. Can one particle be at one instant of time moving in two directions? Possible hai? Ek object at one instant of time moving in two directions. Possible hai? Nahi possible. That is why T1, as per this, if you place a positive charge, it moves along T1. As per this line, it will move along T2. So, one charge cannot move in two directions at one point in time and space. So, no two lines can cross each other. Do number da. Note kar lo, 2 minutes da time. 2 minutes.
फोर्थ पॉइंट बोलो कि ये क्लोज लूप नहीं बनता। देखते हैं व्हाट डू मीन बाय क्लोज लूप। लूप का मतलब समझ लो, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड कम बैक टू द सेम, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लूप। यू स्टार्ट फ्रॉम योर रेजिडेंस, मूव टू अ शॉपिंग मॉल, देन अ थिएटर, पार्क, देन यू कम बैक, सो यू हैव कंप्लीटेड द लूप। सो वी विल डिस्कस टू पार्ट्स, वन इज इलेक्ट्रिक एंड वी विल ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट मैग्नेटिक। Why? Because magnetic you have already covered. For a magnet, yes, north, south. Magnetic lines start from north, end up at south. This is outside. Inside, yes, inside, south to north. So, magnetic line, it is a closed loop. You start from this point, move, and you can come back to the original. So magnetic lines form closed loops. But electric, they start from positive and end up at negative. This is that starting from positive acceptable, start from positive end up at negative, this is not closed loop. Wapis ta nahi aayi, dekho ethe chal pe, I am moving वापस सेम पोजिशन पे है। नो, आई स्टार्ट फ्रॉम वन एंड अप एट टू। इट इज दिस पार्ट विच इज, यू कैन से दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक लाइंस आर रिप्रेजेंटेड। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड कम बैक टू द सेम, तो वायलेट कर गई इलेक्ट्रिक लाइन, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड अप एट नेगेटिव, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स वॉट, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। बट इस केस क्या आएगा, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। टू मिनट्स टू राइट पॉइंट नंबर फोर, टू मिनट्स। फिफ्थ पॉइंट बोलो की है कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, व्हाट डज इट मीन, एंड रिपेल लेटरली। सो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करने गए, दैट इज व्हाट द केस इज। डायग्राम बनाया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इफ यू सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज मार्क्ड। सो हाउ दे contract, that part I will explain. Positive charge, lines start from positive. So we can discuss these three. Suppose they are distant apart, end up at negative. One, one dash, two, three, two dash and three dash. ऐसा नहीं लगता कि lines तो cut कर जाएंगे दोनों,
Agreed or not? This is line 1, this is line 1 dash. So, it cross kar janagya. That is why, agar adhi gal karange, if you place a charge somewhere in between the two, this line will bend itself like this. The other will also bend like this. And the two will join somewhere so that it starts from positive, end up at a negative. What about this line? A check karo. A, ethra nahi aagi. Along this length, A contract nahi kargi. Similarly, for line number 3, this line will join with 3 dash. So, just observe line number 1 and line number 3. They are contracting along this length. That is what we mean by the term contractor longitudinally. So, final distribution is of this type. This is line number 1 and 1 dash. This is line number 2 and 2 dash. This is line number 3 and 3 dash. So, this line 1 and 3 you can see is contracting along the length. That is why we call this as contract. Objective question aayega. Longitudinally. Spelling dekh lena please. सेकेंड पार्ट की रिपेल किधरले पासे रिपेल लिटरली स्पेलिंग फिर चेक कर लेना प्लीज एदा की मतलब होया पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 1 1 डैश दे विल इंटरसेक्ट अगर ऐसा चल देता है इंटरसेक्ट करेंगे एंड टू लाइंस कैन नॉट then the arrangement is agar inna di gal karange ta main ehdi vi gal kar dena so that you can think of 2 and 2 dash now the new arrangement is line number 1 and line number 1 dash they cannot cross but is tarah press ta kar sakde na you can think of like this so the final arrangement is one, one dash, two, and two dash. They repel. Kidhar le passe? Literally. 3 minutes to write.
Question number 9, A part. बोलो ये है क्वेश्चन. यस, द टर्म इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और बोलो ये है 1 कूलम चार्ज. 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ लाइंस कमिंग फ्रॉम 1 कूलम चार्ज एंड नंबर ऑफ लाइंस कमिंग फ्रॉम क्यू कूलम चार्ज. Now, when you say there is a line coming out of charge, then question is how many? So, there is a concept, we will tell you this concept, you will understand this and you will correlate the two in the days to come. 1 coulomb charge, so lines karna pata lagta. 2 coulomb charge, 2 times, 3 coulomb charge, 3 times, q coulomb charge. What is the advantage? Lines, variable likh rahe hain. What is the advantage of the same? Bulb, you get light rays coming out of the bulb. In magnet, you get magnetic lines coming out of a magnet. So that you have some concept. For example, if you have a bulb, if you move close to the bulb, lines coming on the surface increase. So light increases. If you move close to a magnet, yes, magnetic effect increases. To have the same concept here, we have electric lines. So, 1 coulomb charge, number of lines coming out of 1 coulomb charge. Number of lines coming from 1 coulomb charge. Yes, bolo kiniya, 1/ε0. Epsilon naught value is known to you. Kini value hai? 1/4πε0 is how much? 1/4πε0 number of numericals, 9 × 10⁻⁹ and ε0 8.854 × 10⁻². As a data. Calculation karke dekhna na kar. Number of lines coming from 2 coulomb charge. Yes. बोलो भाई 2 times, 3 coulomb चार्ज 3 times, q coulomb चार्ज q times. So electric flux means electric lines. For example, if you have 25 watt bulb, certain light comes out of it. If you have 100 watt bulb, then more light rays come out of this. Similarly here also, from 1 coulomb charge, it is this. From q coulomb charge, yes, number of lines, bolo ke niya, q/ε0, q times, 1 coulomb charge, a objective se aaya question hai, number of lines from 1 coulomb charge, calculate karke kitna banda hai, 1/ε0, if you put this value of ε0, 8.854 × 10⁻½, then 1/ε0 is equal to, check karke dasso kitna banda hai, × 10⁻², 2 minutes time, note कर लो.
न्यूमेरिकल जो पार्ट यूज होगा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो मैं एडिशनल है, नोट्स नहीं लिखा हुआ किसी और आर्टिकल से, बट वी कैन राइट इट हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज समथिंग विच इज नॉट गिवन हेयर. अ टॉर्च, लाइट वाली टॉर्च, लाइट रेज आर कमिंग आउट ऑफ इट. इजियर समझना. इफ यू प्लेस अ रिंग, व्हेन द रिंग इज इन दिस पोजिशन मैक्सिमम लाइंस विल पास थ्रू दिस. अगर ये रोटेट करना शुरू करता मैं इस तरह, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग विल डिक्रीज. एरिया स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? यस बोलो. स्केलर. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों पता लग गया होने दोस्तों? पुलिस वाले ने हाथ से देखे, ऑल ऑफ यू सीन अ शील्ड. सो उस एंड तो, फ्रॉम द अदर एंड, मॉब जड़ी है वो स्टोन थ्रो कर रही है. सो वन पुलिस मैन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ लाइक दिस एंड द अदर वन लाइक दिस. विच वन इज बेटर, प्रोटेक्शन वन और प्रोटेक्शन टू? बट यू आर सेइंग एरिया डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. इफेक्टिवनेस ऑफ एरिया डिपेंड्स ऑन direction. That is why area is a vector quantity. So what you are saying is that in this case maximum number of lines will pass, in this case minimum lines will pass. Area, this is area vector A, this is area vector A. At any angle, it suppose this ring makes, area makes any angle theta with light, magnetic line, magnetic field or electric field. Let me call this as electric field E. Then electric flux is defined as dot product of E and A is equal to what? E A cos theta. Case 1, theta is equal to, first case, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस. ये मैं लाइट नाल एक्सप्लेन किया बट यू कैन टेक इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड. फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई ए कॉस जीरो. कॉस जीरो कितना होता है? वन. सो इट इज मैक्सिमम. केस टू, यस दिस इज केस वन, दिस इज केस to theta is equal to 90 degree, electric flux is equal to E A cos 90. Cos 90 0. The answer kya hai? 0. Case 3, any angle, say theta is equal to 60 degree. Suppose you can take this as a case number 3. Phi E comes out to be what? E A cos 60. Cos 60 is what? 1 by 2. E A 1 by 2. Time with you is 4 minutes. In notes, likhonge kithe space nahi hai na, itthe likhe nahi hoya. So use last part of this. Last part of the notes, right side. Notes se likh lo. Notes de vich likh lo. Right side te hunne.
कर ले, नोट कर ले। हाँ नाइन्थ बी पार्ट बोलो। यस, हाउ यू हैव डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल, टू थ्री आर्टिकल्स बैक, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किमें डिफाइन किया सी, फोर्स एक्सपीरियंसड, बोलो, फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट चार्ज, रेफर टू द आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर देखो कितना है, क्वेश्चन नंबर सेवन, बी पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट नंबर टू। यस, बोलो कि मैं डिफाइन किया सी, देयर वाज चार्ज कैपिटल क्यू, अनदर चार्ज डेल्टा क्यू, फोर्स बिटवीन द टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डेल्टा क्यू बाय आर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट चार्ज कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज वन मेथड ऑफ सेइंग इट, फोर्स, बोलो, पर यूनिट चार्ज, की चीज, फोर्स, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, 50% सिलेबस से यूज करूंगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बोलो बोलो, करेक्ट, दैट इज वेन यू डिफाइन इट एग्जैक्टली, बट रेस्ट इट इज जस्ट लाइक रेट, 10 rupees a kg, पोटैटो 10 rupees a kg, मैंगो 50 rupees a kg, इट इज जस्ट अ रेट, सो वेन यू डिफाइन इट प्रॉपरली देन यू से वट इज द कंडीशन डेल्टा क्यू हैज टू बी स्मॉल, ऑल दोज इशूज, ठीक है, इतने नहीं करेंगे, ये आगे फिर कंक्लूजन रिजल्ट फॉर बी पार्ट, अनदर मेथड ऑफ writing electric field intensity, another method, this was the earlier method, now there is a charge q, how many lines come out of this, bolo, yes, pehle steps bolo ki likha, how many lines come out of this, yes, number of lines coming, bolo kinniya, 1 coulomb charge, yes, 1 by epsilon naught, 2 coulomb charge, 2 by epsilon naught, 3 coulomb charge, 3 by epsilon naught, 4 coulomb charge, 4 by, q coulomb charge, number of lines is q by epsilon, step 2, you have to find out as per definition, the definition of electric field intensity E is number of lines, another method of defining, but result should come out to be same, number of lines per unit area. Now I want to find out number of lines at this point, then this point P is at distance R, bolo da area, bolo kinna baneya, bulb, there is a bulb, lines are moving out of the bulb, you want to find out intensity at distance R, bolo kedi shape bana rahe hain, ki ban rahe hai, sphere of radius R, what is surface area, so area is 4 pi R square, correct, how many lines, Q by epsilon naught, E is equal to what, Q by 4 pi epsilon naught R square, result check karo, same hai, लेमैन भी पता है बट कनेक्ट नहीं कर सकता फार्मूला, देर इज अ बल्ब, यू आर एट दिस डिस्टेंस, सो देर आर सर्टन लाइट रेज रीचिंग पर यूनिट एरिया, इफ यू मूव अवे नंबर ऑफ लाइंस रीचिंग पर यूनिट एरिया विल डिक्रीज, दैट इज वाई इफ यू आर रीडिंग समथिंग एंड यू से लाइट इज लेस, यू मूव टूवर्ड्स द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज लाइट, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज लाइट, टूडेस पेपर है उत्थे बल्ब है, तुसी का लाइट कट आ रही है, देन यू मूव
towards the bulb so that more lines reach, so that light intensity increases. This is B part. Here it is quoted with the help of example also. If Q is equal to 1 coulomb, R is equal to not 2 pi, R is equal to 2 as an example you can do. If you put Q is equal to 1 coulomb, R is equal to 2 coulomb, then if Q is 1 coulomb charge and R is 2, what do you get? 1 by 4 pi epsilon naught bolo kitna hai? 9 into 10 to the power 9 into 1 by 4 comes out to what? 2.25 into 10 to the power 9. So many lines per unit area means this is electric field. So now you have two methods to define electric field. Pehla bolo keda hai? Force experienced per unit charge. Next level leke jana hai, per unit positive test charge. But we will say per unit charge. Second method, number of lines per unit area. Time with you is 4 minutes. Complete kar lo.